subscribe to my channel, and also press this bell icon so you never miss any new update. सबसे पहले दोस्तों आपको इस डंडे को ठीक से टाइट कर लेना है। देख सकते हैं किस तरह से टाइट है, किस एंगल में। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये लगेगा दोस्तों, इस तरह से रहेगा, तो देख सकते हैं। चलिए इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डिश स्टैंड लग चुका है। तो देख सकते हैं किस तरह से डिश स्टैंड लगा हुआ है। ठीक इसी तरीके से आपको भी डिश स्टैंड लगाना दोस्तों, सेम ऐसा ही रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डिश पड़ी हुई है, जो कि टाटा स्काई की डिश है। ये सेट होगा DDP डिश पे। तो ये पुरानी डिश है दोस्तों, कहीं और लगी थी, वहां से निकल के ये आई है, यहाँ लग रही है। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह इसकी सेटिंग है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी फिटिंग है। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ये लग गया। अब इसको चाहे इस तरफ घुमा लें, चाहे इस तरफ घुमा लें, चाहे इस तरफ घुमा लें, कहीं भी किसी तरह घुमा के आप डिश सेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सेटेलाइट फाइंडर मीटर जो होता है, जिस मीटर से सेट किया जाता है डिश को, उस मीटर को हम सेट कर चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर लगा है, देख सकते हैं ये वायर जाके हमारे मीटर में लगा हुआ है। देख सकते हैं इस तरफ ये लगा हुआ है वायर, और यहाँ से जो बिजली कनेक्शन होता है, ये वायर बिजली कनेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांसपोंडर इसका क्या रहेगा, जो कि हम इसको लगा चुके हैं, जो कि ये ट्रांसपोंडर हम आपको बता दे रहे हैं, ये MPG-2 रिसीवर में या MPG-4 रिसीवर हो या आपका मीटर हो, ये सभी में ये ट्रांसपोंडर काम आएगा। तो इसका ट्रांसपोंडर है 0-34-30 वर्टिकल 29-500, 0-34-30 वर्टिकल 29-500। तो दोस्तों तो यहाँ पे करते हैं इस डिश की सेटिंग। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से हम डिश सेट कर रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, यहाँ मीटर में आपको दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है दोस्तों DDP डिश का। कुछ नहीं करना हुआ दोस्तों, सेम इस तरह से लगी थी, और सिर्फ यहाँ से हम उठाए हैं, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से उठाए हैं, देख सकते हैं सिग्नल हमें मिल गया, यहाँ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको टाइट कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं डिश पूरी तरह से सेट हो चुकी है, DDP इस पे सेट है दोस्तों, देख सकते हैं किस तरह सेट है। और दोस्तों अगर सिग्नल आपका कम आ रहा है तो आप LNB को थोड़ा सा मूव करके देख सकते हैं, आगे पीछे भी करके देख सकते हैं, थोड़ा सा सिग्नल आप बढ़ाने की यहाँ से कोशिश कर सकते हैं, तो आपका सिग्नल बढ़ जाएगा। कुछ LNB दोस्तों लोकल होती है, इसलिए सिग्नल नहीं बढ़ता, थोड़ा अच्छी क्वालिटी में LNB अगर रहेगी दोस्तों तो सिग्नल बढ़ जाएगा। फिर भी लोकल भी LNB रहेगी तो आपको कोशिश कर लेना, यहाँ से ट्राई कर लेना है, इधर थोड़ा मुंह करके, थोड़ा आगे पीछे करके, या थोड़ा इस तरफ करके आपको देख लेना है दोस्तों। सिग्नल अगर बढ़ता है तो आप बढ़ा के उस पर ठीक अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये सब जो बोल्ट वगैरह यहाँ लगा है, ये सब भी अच्छी तरीके से टाइट कर लेना,
पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हवा पानी या आंधी तूफान या आतंक पतंग का दिन रहता है दोस्तों, उसमें फंस जाता है तो छतरी थोड़ा हिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मीटर लगा हुआ है 83% देख सकते हैं सिग्नल, इस पे बता रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये डीडी फीड इसकी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी आपको फिर से बता देना 03430 वर्टिकल 29500, 03430 वर्टिकल 29500। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।